जैन बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आज आपके लिए लेके आए हैं साइक्लोप्रोपेन। तो आइए जानते हैं साइक्लोप्रोपेन के बारे में। इट इज़ अ थ्री मेंबर्ड हाइड्रोकार्बन हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला C3H6। आप जानते हैं कि साइक्लोप्रोपेन जो होता है वो तीन कार्बन से बना हुआ एक रिंग होता है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला C3H6 होता है। इट इज द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लोप्रोपेन एलिसाइक्लिक कंपाउंड का सबसे छोटा सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है। साइक्लोप्रोपेन का ये रिंग स्ट्रक्चर जिसके अंदर तीन कार्बन आपस में जुड़े हैं सिंगल बॉन्ड से रिंग बनाने के लिए। बच्चों, यहाँ पर ये हमने मोलिकुलर ऑर्बिटल प्रेजेंटेशन दिखाया है साइक्लोप्रोपेन के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में रेड डॉटेड लाइन से हमने यहाँ पर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को दिखाया हुआ है, और ये जो पर्पल से दिखाया हुआ है ये हमारे मोलिकुलर ऑर्बिटल हैं जो सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि इस मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम के अंदर ये एज्यूम किया जाता है कि कार्बन कार्बन के बीच में जो मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं। क्लियर है? ऐसा होता नहीं है बच्चों, ये हाइपोथेटिकल है। क्यों ऐसा होता है वो जानेंगे हम लोग आगे। इच कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज। साइक्लोप्रोपेन के अंदर तीनों कार्बन जो होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। बॉन्ड एंगल इज 60 डिग्री। कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो 60 डिग्री का होगा। नॉर्मल बॉन्ड एंगल जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन में होता है वो 109 डिग्री 5 मिनट का होता है, लेकिन हमारे साइक्लोप्रोपेन में 60 डिग्री का होगा। साइक्लोप्रोपेन रिंग इज हाईली स्ट्रेन्ड रिंग एंड बियर्स वेरी हाई बॉन्ड पेयर रिपल्सन ड्यू टू स्मॉलर कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल 60 डिग्री। साइक्लोप्रोपेन रिंग हाईली स्ट्रेन्ड होता है, उसमें स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है क्योंकि बॉन्ड एंगल 60 डिग्री होता है, जिसकी वजह से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन काफी क्लोज होते हैं और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्सन कोज करते हैं, जिसकी वजह से रिंग के अंदर स्ट्रेन की अमाउंट काफी हायर होती है। देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक नॉर्मल sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के लिए यहाँ पर जो है बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 5 मिनट शो किया हुआ है, और ये हमारा साइक्लोप्रोपेन रिंग है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि दो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड एंगल है कार्बन कार्बन के बीच वो 60 डिग्री का है। रिंग के अंदर हर एक कार्बन के बीच में एंगल बॉन्ड एंगल 60 डिग्री का है, और नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल 109 डिग्री 5 मिनट से जो हमारा बॉन्ड एंगल साइक्लोप्रोपेन में है वो 49.5 डिग्री कम होता है। तो आप देखिए साइक्लोप्रोपेन के अंदर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, लेकिन जो नॉर्मल sp3 होता है उससे यहाँ पर बॉन्ड एंगल 49.5 डिग्री कम हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन काफी क्लोज होते हैं। सिंपल सी भाषा में आप कह सकते हैं कि बॉन्ड जो है वो काफी क्लोज आ जाते हैं। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है हमने, रिंग स्ट्रक्चर जो आपको ऊपर दिखाया था, यहाँ पे आप देखिए कि ये बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन काफी क्लोज हैं, और ये रेड पेन से हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ये आपस में रिपल्सन कोज कर रहे हैं, एक दूसरे को बाहर की ओर पुश करते हैं, जिसकी वजह से ये जो आपने यहाँ पे देखा है साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर रिंग स्ट्रक्चर ये हाइपोथेटिकल होता है। एक्चुअल में ये एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। रिपल्सन काफी स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड जो आप देख रहे हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ये बाहर की ओर चले जाते हैं। देखा आपने? तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर लाई करते ही नहीं है। मैं आपको यहाँ पर नॉर्मल कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे अगर मैं आपको इंटर न्यूक्लियर एक्सिस शो करता हूँ, तो आप देखिए कार्बन कार्बन के बीच इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रॉन लाई करने चाहिए थे, लेकिन भाई करते नहीं है। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर चले गए हैं, बल्ज आउट हो गए हैं, बाहर की ओर मुड़ गए हैं। क्लियर है? और ये बैंड स्ट्रक्चर कहलाता है साइक्लोप्रोपेन का, और एक्चुअल में साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है। अगर दूर से देखें तो ये मुड़े हुए केले की तरह तीन केले यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं, और ये बनाना स्ट्रक्चर भी कहलाता है साइक्लोप्रोपेन का। वैसे तो आपने पढ़ा होगा डाइबोरेन के अंदर बनाना बॉन्डिंग होती है, लेकिन यहाँ पे बनाना शेप स्ट्रक्चर होता है साइक्लोप्रोपेन का। रिपल्सन की वजह से ये बॉन्ड पेयर बाहर की ओर मुड़ जाते हैं। सो दिस इज अबाउट द बैंड स्ट्रक्चर और बनाना स्ट्रक्चर इन साइक्लोप्रोपेन। तो एक्चुअल में हमारा साइक्लोप्रोपेन ऐसा होता है। सो बॉन्ड्स ऑफ साइक्लोप्रोपेन आर बल्ज आउट, कॉमनली टर्म्ड एज बेंट और बनाना बॉन्ड। ड्यू टू दिस बेंट स्ट्रक्चर साइक्लोप्रोपेन बिहेव्स लाइक अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स।
और बच्चों जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपके सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, आपके जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है वो बाहर की ओर मुड़ गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये पाई बॉन्डेड कंपाउंड की तरह बिहेव करने लगता है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर की तरफ इजीली अवेलेबल हो रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं। तो आप ही देखिए ऐसा कहाँ पर होता है सर, इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड जो है वो पाई बॉन्डेड कंपाउंड्स में इजीली अवेलेबल रहता है प्लेन के ऊपर, और यहाँ पर जो इंटर न्यूक्लियर प्लेन होगा उसके ऊपर चला जाता है हमारा सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसलिए हमारा जो साइक्लोप्रोपेन है वो सैचुरेट होते हुए भी अनसैचुरेशन के कैरेक्टर शो करता है, अनसैचुरेट कंपाउंड की तरह अपना बॉन्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल कराता है फॉर फर्दर रिएक्शंस। साइक्लोप्रोपेन रेडिली अंडरगोज एडिशन रिएक्शन, और इसलिए साइक्लोप्रोपेन के अंदर जो रिएक्शंस मेनली होती हैं वो एडिशन रिएक्शंस होती हैं। इट शोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन, बच्चों तीनों तरह के एडिशन ये दिखाता है, लेकिन साइक्लोप्रोपेन में जो मेनली एडिशन होता है उसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो क्लियर हुआ आपको? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जो हमारा साइक्लोप्रोपेन होता है उसके अंदर रिंग स्ट्रक्चर नॉर्मल रिंग स्ट्रक्चर नहीं होता है, स्ट्रेन की वजह से वहाँ पे बेंट या बनाना स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर की तरफ चले जाते हैं और इजीली अवेलेबल होते हैं फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन।